अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर हैं, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन या फिर आईफोन पर, तो दोस्तों आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूज़र के लिए ही है। तो दोस्तों मैं हूं प्रवेश, माहिंद ट्रिश यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो में क्या है, चलिए आगे देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए माहिंद ट्रिक्स चैनल को, उसके बाद इस बेल घंटी आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों अगर आप WhatsApp यूज करते हैं और आपको WhatsApp पर बहुत सारा मैसेजेस आता है, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या फिर दूसरे लैंग्वेज में हो, तो दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है जो दोस्तों दूसरे लैंग्वेज का है या फिर आपको इंग्लिश नहीं आता उतना अच्छा से, तो आपको कोई इंग्लिश मैसेज आया है और आप चाहते हैं कि उस मैसेज को आप अपने अपने भाषा में यानी कि हिंदी में आप ट्रांसलेट करेंगे ऑटो में, ऑटो तरीके से, तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आप अगर आपको कोई अगर WhatsApp कोई इंग्लिश मैसेज आया है आपके सामने, तो दोस्तों आप अगर उस मैसेज को आप ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहते हैं तो आपको उस मैसेज को कॉपी करना होगा। इस तरह कॉपी करने के बाद दोस्तों आप उसको गूगल ट्रांसलेट पर जाकर ट्रांसलेट करके आपको वो ट्रांसलेट करके आपको पढ़ना होगा कि उसमें क्या है। लेकिन दोस्तों आज जो एप्लीकेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रांसलेट एप्लीकेशन है दोस्तों, जो आपको काफ़ी सारे फीचर्स देगा। दोस्तों आप WhatsApp के अंदर ही किसी भी लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं कुछ ही सेकेंड के अंदर। तो दोस्तों उसके लिए आपको हाई ट्रांसलेट नाम का एक WhatsApp ट्रांसलेटर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों हाई ट्रांसलेट WhatsApp ट्रांसलेट चैट ट्रांसलेटर, ठीक है। तो सिर्फ ये WhatsApp पे नहीं दोस्तों, ये हर तरह का चैट एप्लीकेशन में दोस्तों ये बखूबी काम करता है। तो अगर आप WhatsApp यूज करते हैं, Facebook यूज करते हैं, तो सभी में दोस्तों ये काम करेगा। तो मैं आपको WhatsApp में ये करके दिखाने वाला हूं। तो सिंपली दोस्तों ये 4MB का एप्लीकेशन है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको जो कुछ करना है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, कुछ ही सेकंड में ये दोस्तों इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ परमिशन दे देना है, तो आप अलाउ बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों नीचे से आपको गेट स्टार्ट, उसके बाद दोस्तों एक्सेसिबिलिटी पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, तो दोस्तों आपको उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपको हाई ट्रांसलेट ऑफ होगा, इसको ऑन कर देना है, ठीक है। तो इसको इस तरह दोस्तों आप एनेबल कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो अभी फिलहाल तो रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अभी आपको जो करना है, अभी फिर से आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो सेकंड ऑप्शन है दोस्तों आपको अथॉरिटी, इस पर भी क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, तो इधर से भी दोस्तों आपको हाई ट्रांसलेट को ऑन नो होगा दोस्तों, येस कर देना है। तो आपको इधर से भी इसको आप येस कर दीजिए। अभी दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है दोस्तों ये लगभग रेडी है काम करने के लिए, तो आप इस तरह डन बटन पर क्लिक करके गेट स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अभी आपको ये बता रहा है कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए आपका सामने एक बबल जैसा एक ट्रांसलेटर आ गया है, ठीक है, जो आपके डेस्कटॉप में दोस्तों आपके जो मोबाइल स्क्रीन में दोस्तों ये इस तरह काम करेगा। तो आप इसको दोस्तों इस तरह लगा सकते हैं, कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या है। तो अभी सिंपली आप अपने WhatsApp को ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों जिस मैसेज को आप कॉन्वर्ट करके अपने हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए दोस्तों इधर कुछ इंग्लिश में है, गेट 100 नाउ फास्ट 5 ऑफ माय फ्रेंड्स टू लिंक देयर बैंक, ये जो इंग्लिश में है दोस्तों, इसको मैं अगर हिंदी में करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए आपको अपना लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको फिर से अपने जो एप्लीकेशन है हाई ट्रांसलेटर पर जाना होगा। उधर से दोस्तों आपको योर लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज दोस्तों हिंदी सिलेक्ट करना है जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सारा लैंग्वेज आपको मिल जाएगा। आपका फ्रेंड का लैंग्वेज क्या है दोस्तों, इधर से आप अपने फ्रेंड का लैंग्वेज आप इधर से इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों दूसरा लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस लैंग्वेज का आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको WhatsApp पर जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये जो ऐप जो बबल से दोस्तों, इस बबल को आपको इस तरह ले आना है, इधर आपको एक सर्च आइकन मिलेगा, आपको सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर इस तरह रखना है, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं दोस्तों ये हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए ये बिल्कुल हिंदी में हो गया है, जब भी आप छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश हो जाएगा। फिर से पढ़ने के लिए आपको इस तरह रखना होगा और दोस्तों ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों आप किसी भी लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको कॉपी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी चैट पर जाकर आप इस तरह इसको ले आकर या छोड़कर आप उसको जो हिंदी है दोस्तों या दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सभी के भाषा दोस्तों ये सपोर्ट करता है, तमिल तेलुगु जितना भी भाषा है दोस्तों ये सपोर्ट कर देता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रांसलेटर अच्छा लगा है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है। अगर आपको ये वीडियो या एप्लीकेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज जितना हो सके शेयर कीजिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।